जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दी शहनवाज यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बिस्मा सीतापुर मार्ग पर 58B लेवल क्रॉसिंग पड़ती है। इस रेलवे क्रॉसिंग पर अब रेल ओवरब्रिज बनने जा रहा है, जिसका कल शिलान्यास भी हो चुका है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। तो सामने आप सभी को बिस्मा सीतापुर मार्ग पर जो लेवल क्रॉसिंग पड़ती है बिस्मा रेलवे स्टेशन के आगे सीतापुर की दिशा में, यहाँ पर आप सभी को काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसी जाम की समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर आप सभी को रेल ओवर ब्रिज आने वाले कुछ ही सालों बाद नज़र आएगा। फिलहाल यहाँ पर कल शिलान्यास हो चुका है, तो आप सभी को देते हैं पूरी अपडेट, क्या कुछ प्रिंट मीडिया में खबर निकल कर आई है, और इसी वीडियो में आप सभी को पूरी कवरेज भी देखने को मिल जाएगी। नगर में रेलवे क्रॉसिंग संख्या 58B पर लगने वाले जाम से अब लोगों को राहत मिलेगी। जहां ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया गया है, 72.75 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे क्रॉसिंग पर 627.276 मीटर लंबा 2 लेन का ओवरब्रिज बनेगा। सांसद राजेंद्र वर्मा ने और विधायक निर्मल वर्मा ने रविवार को ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया। बहुप्रतीक्षित ओवरब्रिज की मांग पूरी होने से नगर वासियों में खुशी की लहर है। भूमि पूजन के दौरान सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि जिले को 3 ओवरब्रिज मिले हैं, इनमें बिस्मा को 2 ओवरब्रिज की सौगात दी गई है। 1 ओवरब्रिज बिस्मा सिदौली मार्ग और दूसरा ओवरब्रिज बिस्मा सीतापुर रेलवे क्रॉसिंग पर बनना है। बिस्मा सिदौली मार्ग के ओवरब्रिज का लगभग 50% काम पूरा हो गया है। इन ओवरब्रिज के निर्माण से आम जनमानस को जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सेतु निगम के सहायक अभियंता हारून परवेज ने बताया कि बिस्मा सीतापुर मार्ग के रेल संपार संख्या 58B पर 2 लेन ओवरब्रिज बनेगा। इसकी कुल लंबाई 627.276 मीटर है। यह ओवरब्रिज 72.75 करोड़ रुपए की लागत का है। भूमि पूजन के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पंकज गुप्ता, नीरज वर्मा, काकर शुक्ला, मुच्छन यादव आदि मौजूद रहे। तो आप सभी को लेफ्ट हैंड पर जो सर्विस रोड है उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, और हम बढ़ रहे हैं सीतापुर की तरफ। तो काम की रफ्तार काफ़ी तेज़ी के साथ शुरू हो चुकी है। तो इस लेवल क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बन जाने से जाम से काफ़ी ज़्यादा छुटकारा मिलने वाला है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना।